वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? मेरे साथ मोनिका, रुचि, गिरिराज, मनीष, जूही, मयंक, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम आपको कुछ सवाल करवाएंगे और सवाल होंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड से, डायोड के कुछ सवाल करेंगे हम। जरा कमेंट करके बताइए मेरी आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। चलिए आज हम आपको डायोड के सवाल करवाएंगे जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में आता है और देखते हैं आप जवाब दे पाते हो कि नहीं। शुरू करें। पहला सवाल है, व्हेन पीएन जंक्शन इज रिवर्स्ड बायस, पीएन जंक्शन को जब रिवर्स बायस में किया जाता है, जब पश्च अभिनत किया जाता है, रिवर्स बायस में किया जाता है, तो क्या होता है, क्या होता है? आपको पता है अगर डायोड में, डायोड का पी टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, डायोड का एन टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हो, तो उसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। और अगर डायोड का पी टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हो और डायोड का एन बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हो, तो उसको रिवर्स बायस बोलते हैं। हमें यह पता है कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो जो डिप्लीशन रीजन होती है, प्राचीर विभव, उसकी वैल्यू काफी कम होती है। हमको यह भी पता है कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो वह एक क्लोज्ड स्विच की तरह बिहेव करता है। हमको यह भी पता है जब एक डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है और अगर हम मान के चलें कि आइडियल डायोड है तो डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बर्ताव करता है। हमको यह भी मालूम है कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है और कहीं अगर आइडियल डायोड मान लिया तो उसका रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। हमको यह भी पता होना चाहिए जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो जो जंक्शन है उसका, संधि पीएन जंक्शन की, वहां पे एक धारिता का निर्माण होता है कैपेसिटेंस का, जिसको डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बोलते हैं। और अगर डायोड रिवर्स बायस में होता है तो क्या होता है, डायोड जब रिवर्स बायस में होता है जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ बहुत ज्यादा हो जाती है, चौड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है। हमको यह भी पता है कि रिवर्स बायस में जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, या आइडियल रूप से देखोगे तो इनफाइनाइट कह सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि रिवर्स बायस में आइडियल डायोड ओपन सर्किट की तरह बर्ताव करता है या खुले परिपथ की तरह बर्ताव करता है। कौन? डायोड रिवर्स बायस में ओपन सर्किट, फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट। डायोड फॉरवर्ड बायस में क्लोज सर्किट, रिवर्स बायस में ओपन सर्किट। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस काफी कम, प्रैक्टिकली काफी कम, ओम में आइडियली जीरो। रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस आइडियली इनफाइनाइट, प्रैक्टिकली मेगा ओम में। फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन यानी जो प्राचीर विभव है उसका डिप्लीशन रीजन, अक्षय परत बोलते हैं उसको हिंदी में, अक्षय परत, उसकी चौड़ाई फॉरवर्ड बायस में कम और रिवर्स बायस में काफी ज्यादा होती है। ये सब आपको पता है। फॉरवर्ड बायस में जब डायोड होता है तो जो करंट फ्लो होती है वो मेजॉरिटी कैरियर की वजह से फ्लो होती है, यानी बहुसंख्यक आवेश वाहक की वजह से। और अगर माइनॉरिटी, अगर रिवर्स बायस में डायोड है, अगर रिवर्स बायस में डायोड है तो जो करंट फ्लो होती है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होती है, यानी अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण। ये सारी कहानी आपको पता होनी चाहिए, पता है? तो जब डायोड को रिवर्स बायस में किया जाएगा तो डिप्लीशन लेयर क्या होगी, डिप्लीशन लेयर रिवर्स बायस में बढ़ जाती है। डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन, अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ जाती है। हाँ राहुल बोलो, कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट इस सवाल में? फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन की विड्थ या अवक्षय परत की चौड़ाई घटती है और रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई बढ़ती है। डिप्लीशन रीजन क्या होता है आपने पढ़ रखा होगा,
कि अगर एक डायोड ले लूं मैं, क्या ले लूं मैं, एक डायोड, डायोड कैसे बनता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं। अगर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने लिया, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, तो होता क्या है, एक ऐसा क्षेत्र पैदा हो जाता है यहाँ पे जंक्शन के पास, ये जो जंक्शन है संधि, यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन होता है, यहां पे होता है पॉजिटिव आयन जिसको डोनर आयन भी कहते हैं, और यहां पे होता है निगेटिव आयन जिसको एक्सेप्टर आयन भी कहते हैं। ये जो रीजन है, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र है ये, इसकी चौड़ाई है W, इस चौड़ाई W, विड्थ है, चौड़ाई है, इस हिस्से को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, अवक्षय परत। इस डिप्लीशन रीजन में क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या इसमें, नहीं। क्या होल होते हैं, नहीं। क्या होता है, धनायन और ऋणायन, धनायन को बोलते हैं कैटायन, एनायन को बोलते हैं, धनायन को बोलते हैं कैटायन, और ऋणायन यानी निगेटिव आयन को बोलते हैं एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज कर सकते हो आप। दिस इज डोनर आयन, दिस इज एक्सेप्टर आयन, ये दाता आयन, ये ग्राही आयन, ये दाता आयन, ये ग्राही आयन, दाता आयन, ग्राही आयन। तो क्या डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल होते हैं, नहीं। क्या होता है, डोनर आयन, एक्सेप्टर आयन, धन आयन, ऋण आयन। ये विड्थ रिवर्स बायस में बढ़ती है, फॉरवर्ड बायस में घटती है, रिवर्स बायस में बढ़ती है, फॉरवर्ड बायस में घटती है। तो आपका उत्तर क्या होगा इस सवाल में, रिवर्स बायस में जब होता है तो डिप्लीशन रीजन बढ़ेगी, होगा ना, कोई दिक्कत किसी को। सी 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 अगला सवाल, चलो इसी से रिलेटेड एक सवाल और आपको बता ही देता हूं, जब आप पढ़ ही रहे हो फॉरवर्ड और रिवर्स बायस, तो ये सवाल है, बता दीजिए, डीएमआरसी में पूछा गया है कि दो डायग्राम बनाए हैं, बताओ इसमें एक डायोड ये है, दूसरा डायोड ये है, कौन फॉरवर्ड कौन रिवर्स बायस है, ये बता दीजिए, डायोड ए डायोड बी में कौन फॉरवर्ड बायस और कौन रिवर्स बायस, तो चेक करो, ए एंड बी फॉरवर्ड, ए फॉरवर्ड बी रिवर्स, ए बी बोथ रिवर्स, ए रिवर्स बी फॉरवर्ड। तो ये जो हिस्सा होता है डायोड का, ये जो हिस्सा होता है पी टाइप होता है, ये वाला एन टाइप होता है, ये पी टाइप या एन टाइप, पी वाला पॉजिटिव, पी वाला निगेटिव से जुड़ा है, पी वाला निगेटिव से और एन वाला पॉजिटिव से, ये तो रिवर्स बायस में हो गया। यहाँ ये पी टाइप है, ये त्रिभुज है पी टाइप, पी टाइप पॉजिटिव से और एन टाइप ये है, ये निगेटिव से जुड़ा, फॉरवर्ड बायस में हो गया। ए रिवर्स बायस, बी फॉरवर्ड बायस, ए रिवर्स बायस, बी फॉरवर्ड बायस। डी क्या हो गया, डी 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 ए रिवर्स बी फॉरवर्ड। देखो बैटरी में छोटी वाले टर्मिनल, छोटे वाला टर्मिनल नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, ये पी एन, ये पी एन, तो पी पॉजिटिव से है तो फॉरवर्ड, लेकिन अगर पी नेगेटिव से है तो रिवर्स, डी ऑप्शन। बोलो चेंट्रो नेक्स्ट, आपको मैंने अभी जब पढ़ाया तो आप बता दो रिवर्स बायस में डायोड का रेजिस्टेंस कितना होता है। जब डायोड को रिवर्स बायस में आप करते हो तो डायोड का प्रतिरोध कितना होता है, डायोड का प्रतिरोध रिवर्स बायस में बहुत ज्यादा होता है। अगर आइडियल डायोड है तो रिवर्स बायस में उसका प्रतिरोध अनंत होगा, और अगर आइडियल नहीं प्रैक्टिकल डायोड मान के चलें जो होता है तो बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, मेगा ओम में, किस में, मेगा ओम में। तो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली ओम में, रिवर्स बायस में प्रैक्टिकली मेगा ओम में, फॉरवर्ड बायस में आइडियली जीरो, रिवर्स बायस में आइडियली इनफाइनाइट। तो पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस, इज ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस, डिप्लीशन लेयर बिकम्स नैरो, बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस, इट ब्रेक्स डाउन, इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस, ये तो होगा ए हाई रेजिस्टेंस, हाई हाई रेजिस्टेंस क्या होता है अनुज, हाई हो जाता है, हाई फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस हाई होता है, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है रेजिस्टेंस हाई।
ये सवाल है, बताओ। डिप्लीशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन कंसिस्ट ऑफ, जो डिप्लीशन रीजन लेयर होती है या अवक्षय परत, वो किससे बनी होती है? एटम से, पैसिव कंपोनेंट से, मोबाइल चार्जर से? मोबाइल चार्जर से। इन मोबाइल चार्जर्स का मतलब ऑक्सीजन गतिशील, अगतिशील आवेश वाहक, अगतिशील मनीष आगे मिलेगा, अभी परेशान मत हो, अगतिशील आवेश वाहक, अगतिशील आवेश वाहक, अगतिशील आवेश वाहक क्या होता है? आपको मैं बता दूं, एक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होता है, एक सेमीकंडक्टर में होल होता है। इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन और होल की अगर हम बात करें, ये होते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर, मतलब ये गति कर सकते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर ये गति कर सकते हैं, गतिशील आवेश वाहक हैं ये, इधर से उधर, उधर से इधर गति कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डोनर आयन की बात करें, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज डोनर आयन है, और अगर हम नेगेटिव चार्ज जिसको कि एक्सेप्टर आयन की बात करें, ये जो है इमोबाइल चार्ज कैरियर है। इमोबाइल मतलब मोबाइल नहीं है, इमोबाइल चार्ज कैरियर। अगतिशील आवेश वाहक, ये गतिशील नहीं है, ये गति नहीं कर सकते। अगतिशील आवेश वाहक, इसको आप, ये इसको बोलते हो आप डोनर आयन भी बोल सकते हो, इसको एक्सेप्टर आयन बोलते हो, इसको डोनर आयन, इसको एक्सेप्टर, इसको डोनर, इसको एक्सेप्टर, इसको कटायन, इसको एनायन। तो जो डिप्लीशन रीजन होता है अक्षय परत, उसमें यही होता है, यही होते हैं डिप्लीशन रीजन, ये नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन होल को ऐसे बना सकते हो आप, अगर बनाना चाहो, ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये होल हो गया, एक कॉमा लगाया मैंने, इलेक्ट्रॉन का माहौल, इलेक्ट्रॉन का माहौल मोबाइल चार्ज कैरियर है। तो डिप्लीशन रीजन में इमोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं, अगतिशील आवेश वाहक, मोबाइल नहीं, इमोबाइल। मोनिका, इमोबाइल नहीं आया समझ में? इमोबाइल कैसा? इमोबाइल ये इमोबाइल है, ये मूव नहीं कर सकते, ये पॉजिटिव, ये कैटायन एनायन, ये डोनर आयन एक्सेप्टर आयन, ये दे कांट मूव। डिप्लीशन रीजन एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसी जगह है जहां अगतिशील आवेश वाहक होते हैं, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं। दिस एंड दिस आर इमोबाइल, अगतिशील, गति नहीं कर सकते। बाकी इधर पी टाइप में होल होगा ढेर सारा, पी टाइप में क्या होगा ढेर सारा, होल 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 होल, इधर क्या होगा इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, इधर ढेर सारा इलेक्ट्रॉन, इधर ढेर सारा होल, मगर इधर डिप्लीशन रीजन में, डिप्लीशन लेयर में, अक्षय परत में क्या होगा? कैटायन और एनायन, धनायन या ऋणायन, इमोबाइल चार्ज कैरियर बोलते हैं, या डोनर आयन एक्सेप्टर आयन भी बोलते हो आप, ठीक है। इन फॉरवर्ड रीजन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायोड अपीयर्स एज, अगर फॉरवर्ड रीजन मतलब फॉरवर्ड बायस, अगर एक डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो उसका बर्ताव कैसा होगा, कैसे बर्ताव करेगा एक डायोड? एक ऑफ स्विच की तरह, हाई रेजिस्टेंस की तरह, एक कैपेसिटर की तरह, एक ऑन स्विच की तरह, बोलो। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो ऑफ स्विच, ऑफ स्विच मतलब ओपन स्विच, ऑफ स्विच का मतलब ओपन स्विच ऐसे, ऑन स्विच मतलब स्विच जो ऐसे था उसको क्लोज करके ऐसे कर दिया, यानी स्विच क्लोज हो गया, स्विच क्लोज है ऐसे, क्लोज स्विच, या एक कैप्चर या हाई रेजिस्टेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में है, अगर आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में है वो एक ऑन स्विच की तरह काम करेगा, कैसे? ऑन स्विच की तरह, ऑन स्विच मतलब ऐसे,
अगर ये डायोड है ऐसा, आपने इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया, फॉरवर्ड बायस मतलब ये प्लस और ये माइनस से कनेक्टेड है, ये एक शॉर्ट, एक क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, ये क्लोज स्विच, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होता है तो फॉरवर्ड बायस में डायोड कैसे कर देते हो, शॉर्ट सर्किट, यो शॉर्ट सर्किट कर दिया तो क्या हो गया, क्लोज स्विच ही तो हो गया, ये क्लोज स्विच है, ये स्विच था क्लोज है। लेकिन अगर यही डायोड रिवर्स बायस में कर दिया आपने, रिवर्स बायस मतलब ये नेगेटिव से कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव से, तो डायोड ओपन सर्किट का बर्ताव करेगा। ओपन सर्किट मतलब ऐसे, ओपन सर्किट या ओपन स्विच की तरह, ये ओपन स्विच, ये क्लोज स्विच, ये खुला स्विच, ये बंद स्विच, खुला स्विच बंद स्विच, या ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट। अगर आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो उसका जो बिहेवियर होगा ऑन स्विच की तरह होगा, डी 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 डी, ये ऑन ये ऑफ, ये ऑन ये ऑफ, ये ऑन ये ऑफ। अगला सवाल, बायसिंग का क्या मतलब है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बायस, आरआरबी भोपाल, व्हाट डज द टर्म बायस मीन, बायस का मतलब क्या है, बायस अभिनति या बायस अभिनत, व्हाट डज द टर्म बायस मीन, बायस मतलब वही फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, बायस का मतलब एक डायोड को लो और उसको एक डीसी वोल्टेज से जोड़ दो, एक बैटरी से जोड़ दो, क्या करो, एक डायोड को लो बैटरी से जोड़ दो, वही है बायस। बायसिंग इज व्हाट, बायसिंग इज कनेक्टिंग एन एक्सटर्नल बैटरी टू द डायोड, बाहर से एक बैटरी ले आकर के डायोड से जोड़ देना, बाहर से एक बैटरी ले आकर के डायोड से जोड़ देना, यही है बायसिंग, यही क्या है बायसिंग, यही है आपकी बायसिंग। अब अगर बाहर से जो बैटरी लाया हो, बैटरी का पी टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के पी से जुड़ा है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल डायोड के एन से जुड़ा है, तो फॉरवर्ड बायस, और अगर इसका उल्टा है तो रिवर्स बायस। तो क्या बोलोगे, ए डीसी वोल्टेज अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ वोल्टेज, ये है एक डीसी वोल्टेज के प्रसारण, एक डीसी वोल्टता के प्रसारण के नियंत्रण के पीएन जंक्शन इसको लगा के वोल्टता, सी ऑप्शन, सी 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 सी। बायस का मतलब यही होता है, जैसे ये है, ये डायोड है, क्या है डायोड, ये भी डायोड है, ये भी डायोड है, डायोड के पी को हमने बैटरी के पी से जोड़ दिया और एन को बैटरी के नेगेटिव से, यहाँ डायोड के पी को माइनस से और नेगेटिव को प्लस से जोड़ दिया, ये कैसा हो गया, ये हो गया फॉरवर्ड बायस, और ये हो गया, ये हो गया रिवर्स बायस, रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस। तो बायसिंग का मतलब बाहर से कोई बैटरी जोड़ देना, ठीक है। रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड कैसे काम करता है, रिवर्स बायस में कैसे काम करता है, ये एक डायोड है रिवर्स बायस में है, हाउ विल इट बिहेवियर, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ डायोड, रिवर्स बायस, रिवर्स 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 बायस में इसका बिहेवियर जो होगा वो ओपन सर्किट की तरह होगा, कैसे होगा, ओपन सर्किट की तरह, देखो ये हमने बना रखा है, ये डायोड है, ये रिवर्स बायस में है ना, पी टर्मिनल माइनस से जुड़ा है और एन टर्मिनल प्लस से जुड़ा है, पी टर्मिनल माइनस से और एन प्लस से, तो कैसे हो गया रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में अगर है तो बिहेवियर कैसा होगा, इसका रिवर्स बायस में बिहेवियर ओपन सर्किट की तरह होगा। तो आपका डायोड जो है रिवर्स बायस में कैसे काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह या रेक्टिफायर की तरह या एम्पलीफायर या ओपन सर्किट, तो आपका आंसर होगा ओपन सर्किट की तरह, खुले परिपथ की तरह, हो गया नहीं। कैसे बिहेवियर होगा, ओपन सर्किट की तरह।
तो अगर आपका रिवर्स बायस में डायोड है तो रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट की तरह बर्ताव करेगा। कैसे? ओपन सर्किट की तरह, ठीक है। ये सब तो बाएं हाथ का खेल है आप लोगों के लिए। सर बहुत आसान आसान सा करा रहे हो। हाँ आसान आसान ही करा रहे हैं जी। हाँ जी 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 आसान आसान। ये है ए डायोड विल वर्क सेटिस्फैक्टरली इन। एक डायोड संतोषजनक रूप से काम कहां करेगा? संतुष्ट रूप से, मतलब ठीक ठाक तरीके से। ठीक ठाक तरीके से काम कहां करेगा? फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में, या सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, या कहां? एक डायोड अच्छे तरीके से काम कब करेगा? एक टीचर अच्छा कब पढ़ा सकता है? जब वो 15-20 घंटा पढ़ा चुका हो, थका हुआ हो, भूखा हो, प्यासा हो, तब, या बिल्कुल खा पी के जो है टाइट हो, एनर्जी एकदम हो, कोई क्लास नहीं लिया, फर्स्ट क्लास ले रहा हो, तो वही है डायोड अच्छे से संत अच्छे तरीके से कब काम करेगा। बताइए एक डायोड अच्छे तरीके से काम कहाँ करेगा? मोनिका ने दिया है डी, मनीष ने दिया है ए, जयशंकर ने दिया है डी। अच्छा देखो क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है? क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश। चतुर्थांश होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश, ये है सेकंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय, यह है थर्ड यानी तृतीय, यह है चतुर्थ यानी फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो डायोड का अगर आप ग्राफ देखोगे, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, तो डायोड के जो वीआई वोल्टेज करंट के बीच में जो ग्राफ होता है, अगर हम डायोड में देखें तो कैसा ग्राफ होता है डायोड का? डायोड को अगर आप वोल्टेज दे रहे हो इधर और करंट इधर है, डायोड ये कहता है कि मैं अगर मुझे वोल्टेज दोगे तो मेरी करंट बढ़ेगी, ऐसे धीरे 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 बढ़ेगी, यानी वोल्टेज देने पर करंट बढ़ती है, ज्यादा तेजी के साथ बढ़ती है। ये है फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस में ग्राफ है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये सेकेंड है, द्वितीय है, और ये तृतीय चतुर्थांश है, चतुर्थ वाला है, तृतीय है, और ये फोर्थ है, चतुर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट। फॉरवर्ड बायस में तो डायोड अच्छे से काम करता है, वोल्टेज दो डायोड काम करेगा, वोल्टेज दो डायोड काम करेगा। हेलो हेलो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो काम करेगा ये अच्छे से कि वोल्टेज दोगे तो करंट बढ़ेगी, वोल्टेज दोगे तो करंट बढ़ेगी, और डायोड काम करता है। जो इसका रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक होती है रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में डायोड कहता है कि तुम मुझे वोल्टेज दोगे ना, बहुत थोड़ी सी करंट होगी, बहुत थोड़ी सी करंट, ये जो करंट है ना थोड़ी सी, ये दो थोड़ी सी स्मॉल करंट, इसको बोलते हैं लीकेज करंट या रिवर्स बायस करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट। आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इस करंट को, ये जो करंट है इसको आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ये जो करंट है, दिस स्मॉल करंट इज कॉल्ड लीकेज करंट। और आइडियल डायोड में ये लीकेज करंट जीरो होनी चाहिए। आइडियल डायोड अगर है, अगर आइडियल डायोड है तो ये जो करंट होनी चाहिए ये जीरो होनी चाहिए,
प्रैक्टिकल डायोड में थोड़ी बहुत होती है, तो रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाते जाओगे करंट बढ़ेगी नहीं, वो फिक्स रहती है रिवर्स सैचुरेशन करंट लगभग। और फिर एक निश्चित सीमा से ज्यादा अगर आप वोल्टेज दे दोगे रिवर्स बायस में, जिसको आप रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हो या पीक इनवर्स वोल्टेज ही बोल सकते हो, तो डायोड जल जाता है, फूक जाता है और बहुत तेजी से करंट बढ़ जाती है इसमें। तो संतोषजनक रूप से तो फॉरवर्ड बायस में काम करता है, यहां जो रिवर्स बायस है काम तो कर रहा है मगर संतोषजनक रूप से काम नहीं करता है, क्योंकि रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाने पर कुछ मिल रहा है क्या? रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाओगे तो बहुत थोड़ी सी करंट होती है जो कि लीकेज करंट है, वो लीकेज करंट सिलिकॉन में नैनो एम्पियर में, जर्मेनियम में माइक्रो एम्पियर में होती है, बहुत कम होती है और रेडियल डायोड में जीरो ही होती है। इसका मतलब रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाओगे करंट आएगी ही नहीं, तो फायदा क्या है रिवर्स बायस में यूज करने का? रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाओगे करंट आएगी ही नहीं, और अगर ज्यादा वोल्टेज बढ़ा दोगे तो एक निश्चित वोल्टेज से ज्यादा पर डायोड जल भी जाता है, करंट का एक पर जाती फूक जाएगा डायोड। तो रिवर्स बायस में संतोषजनक रूप से काम नहीं करता है डायोड, लेकिन फॉरवर्ड बायस में अच्छे से काम करता है। तो एक डायोड का मुख्य उपयोग तो फॉरवर्ड बायस में ही है मेनली, रिवर्स बायस में अच्छे से काम नहीं करता है। हाँ, वो जीना डायोड आएगा तो उसकी कहानी कुछ अलग है, बट नॉर्मली संतोषजनक रूप से केवल फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में नहीं नहीं नहीं। तो क्या जवाब होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। क्या इसमें किसी को डाउट है मुझे को बताइए मैसेज करके। बताइए जी, ये सवाल है, अप्रोक्सीमेट रिवर्स वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू पीएन जंक्शन विदाउट डैमेज टू द जंक्शन इज नोन एज मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, पीक इनवर्स वोल्टेज, मैक्सिमम पावर रेटिंग, नी वोल्टेज। उसकी कोई वैल्यू नहीं है मनीष, बताओ इसका आंसर। रिवर्स बायस में आप अधिकतम कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हो कि डायोड डैमेज ना हो जाए, कि डायोड डैमेज ना हो जाए? तो हमको पता है कि रिवर्स बायस में अगर हमने वोल्टेज यहां ब्रेक डाउन वोल्टेज तक पहुंचा दिया तो डायोड के डैमेज होने की पॉसिबिलिटी है। तो रिवर्स बायस में आप कोशिश ये करेंगे कि आपका जो वोल्टेज है VBR, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, यानी विपरीत या कह लो कि रिवर्स बायस में फर्स्ट अभिनत में जो अधिकतम वोल्टेज यहां तक अगर दे दिया आपने तो डैमेज हो जा रहा है, तो आप कोशिश ये करोगे कि आपके द्वारा दिया गया वोल्टेज रिवर्स बायस में इतना ना हो कि डायोड डैमेज हो जाए, जल जाए डायोड। तो कितना हो कि डायोड बर्दाश्त कर लेगा रिवर्स बायस में और डैमेज नहीं होगा, आप उसको पीक इनवर्स वोल्टेज कह सकते हो। पीक मतलब अधिकतम, इनवर्स मतलब रिवर्स बायस में, वोल्टेज मतलब वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज यानी PID, पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब है पीक इनवर्स वोल्टेज अधिकतम या मैक्सिमम फर्स्ट विभव। ये वह अधिकतम विभव है जिसको रिवर्स बायस में आप लगा सकते हो, डायोड डैमेज नहीं होगा। इससे ज्यादा अगर आपने वोल्टेज लगाया तो डायोड डैमेज हो जाएगा, ब्रेकडाउन होने के चांसेस रहेंगे। तो रिवर्स बायस में अधिकतम लगाया जा सकने वाला वह वोल्टेज जी जहां तक डायोड डैमेज ना हो उसको बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, PID। इससे ज्यादा वोल्टेज अगर आपने रिवर्स बायस में लगा दिया तो डायोड के डैमेज होने की पूरी संभावना रहेगी, और डायोड जब डैमेज हो जाएगा तो फिर नौकरी जाएगी आपकी। पीक इनवर्स वोल्टेज।
या वह अधिकतम वोल्टेज है जहां तक वोल्टेज आप रिवर्स बायस में दे सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते कि रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाया जा रहे हो बढ़ाया जा रहे हो, जहां तक मन में आए बढ़ाए जा रहे हो, जहां तक मन में आए बढ़ाया जा रहे हो, ना ऐसा नहीं कर सकते। तो कहां तक बढ़ा सकते हैं सर? एक सीमा तक। अगर ब्रेक डाउन वोल्टेज तक पहुंचा दिया तो डैमेज हो जाएगा। तो आप ये मान सकते हो कि लगभग ब्रेक डाउन वोल्टेज और पीक इनवर्स वोल्टेज लगभग बराबर बराबर ही है, लगभग बराबर ही है। ब्रेक डाउन पे डैमेज हो जा रहा है उससे थोड़ा कम मान लो पीक इनवर्स वोल्टेज को, लगभग दोनों बराबर भी समझ सकते हो। ठीक है, अरे बोलो कमेंट करके सभी लोग। सवाल है कि द पीएन जंक्शन डायोड द रीजन कंटेनिंग द अनकंपनसेटेड एक्सेप्टर एंड डोनर आयंस। अनकंपनसेटेड से कंफ्यूज मत हो, दाता आयन और ग्राही आयन, बस कंपनसेटेड वर्ड से कंफ्यूजन है तो छोड़ दो उसको। एक ऐसा क्षेत्र पीएन जंक्शन डायोड में जहां पे दाता आयन मतलब डोनर आयन, देखो दाता आयन को बोलते हैं डोनर आयन, किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं दाता आयन, इसको ऐसे चार्ज आपको दिखेगा। और एक होता है एक्सेप्टर आयन, जिसको ग्राही आयन बोलते हैं। ये डोनर आयन, ये एक्सेप्टर आयन, दाता ग्राही, ये इमोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं, गतिशील नहीं होते हैं। ये दोनों जहां पे उपस्थित रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन। देखो डोनर आयन से आपको कंफ्यूज नहीं होने से, सिलिकन है, सिलिकन ने, सिलिकन के पास आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चार। और फास्फोरस के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पांच। तो अगर मैं सिलिकन में फास्फोरस को मिलाऊं, सिलिकन में किसको मिलाऊं? फास्फोरस को, मान लीजिए। तो ये वाला इससे शादी कर लिया, ये वाला इससे शादी कर लिया, ये वाला इससे कर लिया, ये वाला इससे कर लिया। इसके आउटर मोशन में चार थे, इसके आउटर मोशन में चार थे, चार ने चारों से शादी कर ली, एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास बचा रह गया। तो फास्फोरस के पास जो इलेक्ट्रॉन बचा रह गया, ये इलेक्ट्रॉन फास्फोरस डोनेट कर देगा, किसी को दे देगा, और इलेक्ट्रॉन देने के बाद फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फास्फोरस डोनर एटम बन जाएगा, डोनर आयन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन देने के बाद किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन दे करके फास्फोरस अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आएगा, इसी फास्फोरस को हम डोनर इंप्योरिटी बोलते हैं। जो 15वें ग्रुप की इंप्योरिटी होती है उसको डोनर इंप्योरिटी, 13वें ग्रुप की जो इंप्योरिटी होती है उसको हम एक्सेप्टर इंप्योरिटी बोलते हैं। 13वें ग्रुप मतलब बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, और 15वें ग्रुप मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। तो ये डोनर इंप्योरिटी है। क्या है ये? डोनर इंप्योरिटी। बोरान एल्युमिनियम क्या है? एक्सेप्टर इंप्योरिटी। क्या है? एक्सेप्टर इंप्योरिटी। ठीक है, तो ये तो आप जब एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा आपने, तो पढ़ा होगा या पढ़ोगे आप। तो डिप्लीशन रीजन में क्या होता है? डोनर आयन और एक्सेप्टर आयन, ये याद रखना है आपको, सी आंसर है। बोलो मिथिलेश, मनीष नहीं आया समझ में? डायग्राम बनाया तो था थोड़ी देर पहले डिप्लीशन रीजन का, यही है डिप्लीशन रीजन। ये है चिंटू, ये है, यही तो है डिप्लीशन रीजन। इसका आंसर होगा डिप्लीशन रीजन।
से हो चुका है, सेम सवाल रिपीट हो गया। चलिए अगला सवाल है, द रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेमीकंडक्टर डायोड इज। मनीष का कहना है अनकंपनसेटेड का मतलब, अनकंपनसेटेड छोड़ दो, नहीं पता है तो। स्वागत है सुशील, साहिल, देखो कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड का मतलब है, जैसे कोई सेमीकंडक्टर आपने लिया, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, होल होता है ज्यादा संख्या में, इलेक्ट्रॉन बहुत कम संख्या में होता है। अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर चला के घुसाऊं, इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर चला के घुसाऊं, तो अब जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको बोलेंगे कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लो, पी में होल ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत कम संख्या में होता है। अगर मैं बाहर से कहीं से पी टाइप में इलेक्ट्रॉन लाके भर दूं कहीं बाहर से, अब पी टाइप जो छेड़छाड़ की गई, बाहर से इलेक्ट्रॉन डाला गया, अब इसको बोलेंगे कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर। ठीक है, बाकी अब इसका मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जहां जरूरत आएगी बताया जाएगा कि सही कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रिवर्स बायस के लिए। पास्ट दिशिक, पास्ट दिशिक मतलब वो पश्च अभिनत बोल रहा है, पश्च अभिनत रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में बोल रहा है कि कैसा ग्राफ होगा, कैसा होगा ग्राफ रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में जो ग्राफ होगा चेन टू, देखो ऐसे ग्राफ होता है, वी और आई। फॉरवर्ड बायस में मान लो ऐसे हुआ, रिवर्स बायस में ऐसे 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 और ऐसे। रिवर्स बायस में कुछ ऐसे होता है, ये डिजाइन तो नहीं होता का ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, ये डिजाइन तो नहीं है, ये डिजाइन भी नहीं है, ऐसे हुआ फिर ऐसे हो गया, ऐसे सिर्फ ऐसे भी नहीं होता है, ये है मतलब ऐसे हुआ ऐसे ऐसे फिर ब्रेक डाउन हुआ तो फिर ऐसे हो गया, यही वाला है ऐसे। ठीक है, बी बी ऑप्शन ये है कि नेगेटिव का वोल्टेज, देखो ये धनात्मक वोल्टेज और ये ऋणात्मक वोल्टेज, धनात्मक करंट ये ऋणात्मक करंट, पॉजिटिव करंट नेगेटिव करंट, पॉजिटिव वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज है कि नहीं। तो ये नेगेटिव वोल्टेज नेगेटिव करंट मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बना रखी, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये नेगेटिव करंट है माइनस आई, नेगेटिव करंट है माइनस आई। ओके, ये सवाल आसान है, बताओ द बैटरी कनेक्शन रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन आर, फॉरवर्ड बायस में करने के लिए बैटरी का कनेक्शन कैसा होना चाहिए, बैटरी का कनेक्शन कैसा होना चाहिए फॉरवर्ड बायस में करने के लिए। द पॉजिटिव टर्मिनल टू पी एंड नेगेटिव टर्मिनल टू एन, द नेगेटिव टर्मिनल टू पी एंड पॉजिटिव टर्मिनल टू एंड पॉजिटिव टर्मिनल टू एन,
बोलो अगर आपने फॉरवर्ड बायस में करना चाह रहे हो तो बैटरी जो डायोड का पी है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और डायोड का जो एन है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए। पॉजिटिव टर्मिनल टू पी या नेगेटिव टर्मिनल टू एन ए, यही तो होगा। अगला सवाल है, ड्यूरिंग रिवर्स बायस ऑपरेशन ऑफ ए पीएन जंक्शन द लो करंट फ्लोज नोन एज दिस व्हिच इज डॉट डॉट ऑफ बैरियर वोल्टेज। पीएन जंक्शन डायोड की फर्स्ट बायसित अवस्था में एक निम्न धारा प्रवाहित होती है जिसे क्या कहते हैं और वो बैरियर विभव पर डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब है कि अगर डायोड को रिवर्स बायस में आपने किया तो जो करंट फ्लो होती है उसको क्या कहते हैं और ये करंट क्या बैरियर वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल पर डिपेंड करती है या नहीं करती है। बैरियर पोटेंशियल क्या है, जो जंक्शन है वहाँ पे उसके दोनों साइड जो कैटायन और एनायन है या जंक्शन के एक साइड जो धनायन और एक साइड ऋण आयन है, एक साइड डोनर आयन एक साइड एक्सेप्टर आयन है, वहाँ पे उसकी वजह से एक वोल्टेज पैदा होता है और जो वोल्टेज पैदा होता है उसको बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक वोल्टेज पैदा होता है, जैसे ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक वोल्टेज पैदा हो जाता है जिसको बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल वी नॉट, प्राचीर विभव। इसको वी नॉट को क्या बोलते हैं, वी जीरो, प्राचीर विभव बैरियर पोटेंशियल। तो आपका जो रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होती है उसको रिवर्स करंट बोल सकते हो या रिवर्स सेचुरेशन करंट भी बोल सकते हो या लीकेज करंट भी बोल सकते हो, तीनों नाम दे सकते हो रिवर्स करंट। और जो रिवर्स करंट होती है ना ये बैरियर पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है रिवर्स करंट और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बैरियर पोटेंशियल, नोन एज रिवर्स करंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ बैरियर वोल्टेज, इंडिपेंडेंट ऑफ, डिपेंड नहीं करती रिवर्स करंट, डिपेंड नहीं करती बैरियर पोटेंशियल पे। तो किस पे डिपेंड करती है सर रिवर्स करंट? रिवर्स करंट मुख्यतः रिवर्स सेचुरेशन करंट मेनली हेलो। तो रिवर्स बायस में जो करंट होती है ना, डायोड अगर रिवर्स बायस में है यानी आपने बैटरी को ऐसे जोड़ रखा है डायोड से कि डायोड रिवर्स बायस में है, उस वक्त करंट बहुत कम फ्लो होती है जिसको आप आइडियल डायोड में जीरो भी कह सकते हो और प्रैक्टिकल डायोड में थोड़ी बहुत फ्लो होती है, सिलिकॉन में नैनो एम्पियर के आसपास और जर्मेनियम में माइक्रो एम्पियर में होती है। ये करंट बैरियर पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती है, किस पर डिपेंड करती है, रिवर्स बायस की करंट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है।
टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिवर्स बायस की करंट, जिसको लीकेज करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हो आप, वो बढ़ती है। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर को अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल हो जाती है। क्या हो जाती है? डबल। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि करने पर लीकेज करंट डबल हो जाती है। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड था और लीकेज करंट आपकी मान लीजिए 2 नैनो एम्पियर है एग्जांपल के तौर पे, और अगर टेम्परेचर को मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा के 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं तो लीकेज करंट आपकी डबल हो जाएगी 4 नैनो एम्पियर। अभी टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो लीकेज करंट 4 नैनो एम्पियर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ा दो 50 से 60 कर दो तो लीकेज करंट आपकी फिर डबल हो जाएगी। डबल मतलब 4 का डबल 8 नैनो एम्पियर। मींस फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर द लीकेज करंट और रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल्स। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि पर तापमान में लीकेज करंट दोगुनी हो जाती है। या ये भी आप पढ़ते हो कि एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर लीकेज करंट 7% बढ़ जाती है। कितने परसेंट? 7%। तो सब कहानी तो आपने पढ़ा होगा कि जो लीकेज करंट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर लीकेज करंट बढ़ती है, मगर बैरियर पोटेंशियल पे तो डिपेंड नहीं करती है। ये बी ऑप्शन नहीं आया समझ में? बी 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 बी। आइए डायोड की बात करते हैं। एक आइडियल डायोड क्या है? एक आइडियल डायोड करंट कंट्रोल रजिस्टर, वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर, नाइदर टाइम वेरिंग नॉन लीनियर टाइम वेरिंग रजिस्टर, नाइदर करंट कंट्रोल नॉर वोल्टेज कंट्रोल। तो आपको ये पता होना चाहिए, थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया भी होगा कि डायोड ना तो वोल्टेज कंट्रोल्ड है ना तो करंट कंट्रोल्ड है। इट इज नाइदर वोल्टेज कंट्रोल्ड नॉर करंट कंट्रोल्ड। यू मस्ट रिमेंबर इट। ऐसा क्यों है? मैंने थ्योरी में आपको पढ़ाया होगा, वीडियो देखोगे आप तो। नाइदर वोल्टेज कंट्रोल्ड नॉर करंट कंट्रोल्ड। डायोड कैसा स्विच है? वोल्टेज कंट्रोल स्विच है, करंट कंट्रोल स्विच है। तो बोलोगे नाइदर वोल्टेज कंट्रोल स्विच नॉर करंट कंट्रोल स्विच, इट इज अनकंट्रोल्ड स्विच, अनकंट्रोल्ड स्विच। यूपी आरवीएनएल में पूछा हुआ है डायोड कैसा है? अनकंट्रोल्ड है, ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना तो करंट पे। कैसा रजिस्टर है डायोड? ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना तो करंट पे। बोलो, नहीं आया समझ में? ना तो वोल्टेज पे ना तो करंट पे, ना तो वोल्टेज पे ना तो करंट पे, ना तो वोल्टेज पे ना तो करंट पे। ओके, चलिए अगला सवाल है। If number of valence electron in an atom is more than 4, then the substance is said to be. अगर किसी के पास बाहरी कक्षा आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा है तो क्या होगा? सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर या न्यूट्रल? बोलो, देखो जो कंडक्टर होते हैं उनकी बाहरी कक्षा में बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम कंडक्टर की बात करें, चालक की, तो उनकी बाहरी कक्षा में कंडक्टर उसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हो,
तो कंडक्टर की बाहरी कक्षा में बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे सोडियम है एक, मैग्नीशियम है दो, एल्यूमिनियम है तीन, एक दो तीन, मतलब ऐसे एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, नॉर्मली यही होता है। अगर सेमीकंडक्टर की हम बात करें, अर्धचालक की, अर्धचालक की बाहरी कक्षा में नॉर्मली सिलिकन जर्मेनियम, प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकन जर्मेनियम ही तो होते हैं, इनकी बाहरी कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर चार से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर किसी के बाहरी कक्षा में है तो फिर उसके अंदर नॉन मेटल का गुण आने लगता है, अधातु का गुण आने लगता है। जैसे जैसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है फिर वो अधातु नॉन मेटल का गुण शो करने लगता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन की बाहरी कक्षा में सात इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन की बाहरी कक्षा में भी सात इलेक्ट्रॉन है। तो जिसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सात है, छह है, तो एक तरीके से वो अधातु के गुण कर शो करते हो। अधातु को आप चाहो तो इंसुलेटर बोल सकते हो, कुछ अलग बोल सकते हो। और अगर इंसुलेटर की हम बात करें या नॉन मेटल की हम बात करें तो इनकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा होते हैं, छह हैं या सात हैं या ऐसे कुछ, ठीक है। अधातु इसका उदाहरण हो गया आपका जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसका उदाहरण हो गया सिलिकन, जर्मेनियम, इसका उदाहरण हो गया क्लोरीन, फ्लोरीन, ऐसे। बोलो डीप बोल रहे हैं कैसे, क्या कैसे दीप? इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम इज मोर देन फोर देन द सब्सटेंस इज सेड टू बी। अगर परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या चार है तो पदार्थ को क्या कहा जा सकता है? तो चार से ज्यादा है, मतलब छह हो सकती है, सात हो सकती है। अब आठ तो नहीं होगी, आठ हो गई तो फिर तो इनर्ट गैसेज हो गई। आठ का मतलब इनर्ट गैसेज, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन, तो इनर्ट हो जाएगा। मतलब चार से ज्यादा मतलब छह सात कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है। कोई कंडक्टर के बाहरी कक्षा में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, छह सात वगैरह नहीं, कम होते हैं, एक, जितने कम इलेक्ट्रॉन उतना अच्छा। तो आपका उत्तर होगा इंसुलेटर कुचालक। हाँ दीप, हाँ लाइव क्लास ही चल रही है। ब्रोमीन भी उसी में आ जाएगा भाई, मनीष बोल रहे हैं ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सब उसी में आ जाएगा, नॉन मेटल में, नॉन मेटल में ही आ जाएगा। सर केमिस्ट्री भी पढ़ा दो ना, अरे इलेक्ट्रिकल भी पढ़ाऊँ, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊँ। अगला जो सवाल है वो ये है, लीकेज करंट ऑफ ए पीएन पीएन डायोड या पीएन जंक्शन डायोड इज कॉज्ड बाय, यानी जो डायोड में लीकेज करंट होती है ना उसका कारण क्या है? लीकेज करंट, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, बैरियर पोटेंशियल, मेजोरिटी कैरियर। क्या है रीजन?
डायोड में लीकेज करंट का कारण क्या है? लीकेज करंट जो आती है ना वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होती है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पैदा होने का कारण है टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता है या उष्मा देते हो तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, और जितना हीट दोगे जितना टेम्परेचर दोगे उतना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, और जितना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा उतना ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आएगा, और जितना ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आएगा उतनी ज्यादा लीकेज करंट होगी। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आता है कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से। आपने ज्यादा हीट दिया ज्यादा टेम्परेचर दिया तो कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा टूटेगा, वहां से चार्ज कैरियर आएगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर माइनॉरिटी करंट को फ्लो कराएगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहां से आता है सर? वो डोपिंग से आता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है डोपिंग से आता है। जैसे आपने सिलिकॉन लिया उसमें आपने फास्फोरस की डोपिंग कर दी, भर भर की डोपिंग की आपने फास्फोरस की, 100,000 फास्फोरस एटम की आपने डोपिंग कर दी। तो अगर सिलिकन में आपने 100,000 फास्फोरस को मिलाया तो सिलिकन अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, 100,000 इलेक्ट्रॉन आ गए। सिलिकन में अगर आपने 100,000 फास्फोरस मिला तो 100,000 फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए, वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। लेकिन फास्फोरस आपने 100,000 मिलाया तो फास्फोरस इलेक्ट्रॉन ही लेके आया, होल लेके थोड़ी आया। तो अगर आप सिलिकन में फास्फोरस की डोपिंग कर रहे हो तो फास्फोरस एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। क्या होल कहां से आया फिर? फास्फोरस होल लेके नहीं आया, फास्फोरस कहां से आया, होल कहां से आया होगा? सिलिकन एटम में कुछ इक्का दुक्का कोवेलेंट बॉन्ड टूटा होगा, वहां से होल आया होगा। तो होल जो होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, वो डोपिंग से नहीं बल्कि टेम्परेचर बढ़ा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड टूटा होगा, वहां से आया होगा। ऐसे ही पी टाइप में, पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है? जब आप सिलिकन में 13वें ग्रुप को यानी बोरान एल्यूमिनियम को मिलाते हो। अगर मैं सिलिकन में 100,000 बोरान मिला दूं तो 100,000 फोल आ जाएगा, 13वां ग्रुप फोल लेकर के आता है बोरान, 100,000 बोरान मिला 100,000 फोल आ गया, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। पी टाइप में होल मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आया? बोरान फ्री इलेक्ट्रॉन लेके थोड़ी आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आया फिर? कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से। कोवेलेंट बॉन्ड कब टूटेगा? टेम्परेचर बढ़ने पे, हीट बढ़ने पे। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो डिपेंड टेम्परेचर पे करता है, ना कि डोपिंग पे। ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आएगा, और ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आएगा तो ज्यादा लीकेज करंट होगी। इसी वजह से मैंने बताया कि अगर आपने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर द लीकेज करंट डबल्स, लीकेज करंट दोगुनी हो जाती है। तो दोगुनी हो जाती है तो लीकेज करंट डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। क्या करती है? डिपेंड करती है। आपका उत्तर होगा हीट एनर्जी। क्या होगा? हीट। नहीं आया समझ में? उष्मा ऊर्जा या फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। द पीएन जंक्शन बिहेव्स लाइक ए, पीएन जंक्शन डायोड की तरह। और क्या पीएन मतलब? दो है, एक पी और एक एन, एक पी और एक एन। डायोड, डायोड मतलब दो, ट्रायोड मतलब तीन, टेट्रोड मतलब चार, पेंटोड मतलब पांच। देखो डायोड का मतलब दो, दो मतलब क्यों सर? इसको दो क्यों बोला? दो इसलिए बोला क्योंकि एक पी है और एक एन है, तो एक पी और एक एन दो है तो डायोड बोल दिया। ट्रायोड अगर तीन होते जैसे पी एन फिर पी होता तो ट्रायोड बोल सकते थे। टेट्रोड मतलब चार होते, पेंटोड मतलब पांच होते, तो पी एन है तो उसको डायोड बोलेंगे। डायोड मतलब दो टर्मिनल, एक पी वाला एक एन वाला, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पीएन जंक्शन जो होता है, पीएन संधि व्यवहार करती डायोड की तरह। एक पी टाइप लिया और एक एन टाइप लिया, दोनों को मिला दिया। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये पी है एन है, दोनों को मिला दिया तो कैसे बन गया? डायोड बन गया। इसे को ऐसे व्यक्त कर देते हैं, पी को ऐसे बनाते हैं और एन को ऐसे बनाते हैं, ये पी एन। ये तो आपको पता ही है, बताओ इसका आंसर।
When the PN junction is forward bias, जब forward bias में होता है PN junction तो क्या होता है, जब forward bias में होता है तो width जो होती है depletion region की घट जाती है, forward bias में depletion region की width घट जाती है। अग्र अभिनत्य, अग्र अभिनत या अभिनत्य जो भी कह लो, forward bias तो depletion region की width घटती है, चौड़ाई घटती है। अगला है when a reverse bias is applied to PN junction, it raises the potential barrier, reduces the majority charge, majority current to zero, lowers the potential barrier, none of the above। जब reverse bias apply किया जाता है तो क्या होता है, ये potential barrier को बढ़ा देती है, ये support करती है, और reverse bias voltage जब लगाते हो तो barrier potential बढ़ जाता है, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है। और बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है तो फिर परिणाम स्वरूप फॉरवर्ड बायस, परिणाम स्वरूप जो मेजॉरिटी कैरियर हो वो फ्लो नहीं कर पाते हैं। बट आपका आंसर यही होगा, आप जो बेसिक आंसर होगा कि राइजेज द पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि रिवर्स बायस में क्या होता है, जैसे आप रिवर्स बायस वोल्टेज लगाए तो जो वोल्टेज लगाए वो और जो बैरियर पोटेंशियल दोनों जुड़ जाते हैं और बढ़ जाता है। क्या है, जुड़ जाता है। देखो ऐसे कहानी होगी, अगर ये जैसे बैरियर पोटेंशियल है, ये बैरियर पोटेंशियल मान लो 4 वोल्ट का है, कितना 4 वोल्ट, अगर आपने इसको फॉरवर्ड बायस दिया 20 वोल्ट दिया, 20 वोल्ट दिया या 4 वोल्ट है, तो इस 4 वोल्ट में से ये 4 वोल्ट इस 20 वोल्ट के विरोध में रहेगा, 20 में से 4 घट जाएगा, ओवरऑल 16 बचेगा। 20 आपने दिया, 20 का 4 विरोध करेगा, 20 का 4 विरोध करेगा तो 4 इस 20 में से घट जाएगा, टोटल वोल्टेज 16 वोल्ट बचेगा। लेकिन अगर आपने यही वोल्टेज 20 वोल्ट दिया लेकिन रिवर्स बायस में दे दिया ऐसे, तो अब रिवर्स बायस का जो 20 वोल्टेज है और 4 वोल्ट ये दोनों जुड़कर 24 हो जाएंगे, 4 वोल्ट ये 20 वोल्ट दोनों मिलकर 24 हो जाएंगे। तो रिवर्स बायस में जो आप वोल्टेज देते हो, ये वोल्टेज और बैरियर पोटेंशियल प्राचीर विभव दोनों जुड़ जाते हैं और करंट को फ्लो करने से रोकने की कोशिश करते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की करंट को। लेकिन अगर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज आप देते हो तो ये और ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ये इसमें घट जाता है, बाकी कुछ वोल्टेज मिलता है यहाँ पे जिसकी वजह से करंट फ्लो होती है। तो रिवर्स बायस में जो आप वोल्टेज लगा रहे हो और फिर बैरियर पोटेंशियल दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने का मतलब अब आपकी करंट नहीं फ्लो होने वाली है, रिवर्स वोल्टेज बहुत ज्यादा हो गया। राइज इज द बैरियर पोटेंशियल ए, ठीक। अगला है ये कि सिलिकन डायोड का अग्र बायसिड वोल्टेज का मान विशिष्ट रूप से कितना होता है, व्हाट इज फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इन सिलिकन डायोड, व्हाट इज फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इन सिलिकन डायोड बताओ। जीरो पॉइंट थ्री से ज्यादा, 0.7 से ज्यादा, या प्रत्यक्ष क्षेत्र के विस्तार पर क्या, मोर देन 0.3 वोल्ट या मोर देन 0.7 वोल्ट। बोलो आंसर बताइए। ये आज का आखिरी सवाल है। हाँ रे रे यस,
बताओ इसका आंसर सभी लोग। देखो आपने अभी डायोड का ग्राफ पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जैसे ये डायोड का ग्राफ है, आपको पता है कि जब आप वोल्टेज बढ़ाते हो शुरू में, तो शुरू में वोल्टेज बढ़ाने पर आपको करंट नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, लेकिन जब एक निश्चित वोल्टेज के बाद आप वोल्टेज देते हो तो करंट बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे यहां से यहां तक हमने वोल्टेज बढ़ाया मगर करंट नहीं बढ़ रही है, अब इस वोल्टेज के बाद आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट तेजी के साथ बढ़ती है, तो इसको हम बोल देते हैं वी गामा नी वोल्टेज। और इस वी गामा की वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है सिलिकॉन के लिए, और 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए, 0.3 वोल्ट के आसपास जर्मेनियम के लिए। तो जो नी वोल्टेज है यह वह न्यूनतम वोल्टेज है जो आपको फॉरवर्ड बायस में कम से कम देना ही होगा ताकि करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाए। अगर आप वोल्टेज नी वोल्टेज से कम दे रहे हो तो आप वोल्टेज तो दोगे लेकिन करंट नहीं मिलेगी। तो अगर आप चाहते हो कि वोल्टेज दे और करंट मिले तो आपका वोल्टेज नी वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। नी वोल्टेज क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आपने एक सिलिकॉन डायोड लिया और आप चाहते हो कि इसमें वोल्टेज दे और करंट फ्लो हो, तो आपको जो वोल्टेज देना होगा कम से कम वी गामा या नी वोल्टेज के बराबर देना होगा, और वी गामा या नी वोल्टेज 0.7 है सिलिकॉन के लिए, 0.7 से ज्यादा ही देना पड़ेगा आपको वोल्टेज। तो अगर आप चाहते हो एक सिलिकॉन में करंट फ्लो करे तो वोल्टेज कितना देंगे? 0.7 से ज्यादा। सर 0.7 से कम दे देंगे तो करंट नहीं फ्लो करेगी, कम से कम आपको वोल्टेज यहां तक देना पड़ेगा जो कि वैल्यू 0.7 ले लें, अगर हम ना ले लें 0.7 सिलिकॉन के लिए, तो फॉरवर्ड बायस में वह न्यूनतम विभव जो आपको देना ही पड़ेगा वह है 0.7 सिलिकॉन के लिए, वह नी वोल्टेज। उससे ज्यादा दोगे तो करंट फ्लो करेगी, उससे कम दोगे तो फिर कुछ होने वाला है नहीं। तो आपका सवाल यही है कि कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे 0.7 से ज्यादा होना चाहिए। हां सुबोध, ईश्वर, ठीक है, और भी कुछ सवाल हैं मगर उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई डाउट है तो बताइए। आज जितना आपने बड़ा बहुत बेसिक बेसिक से सवाल ही आपने किए हैं, मगर उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट? तो उम्मीद है आपकी क्लास में आपको जो पढ़ाया गया समझ में आया होगा, ठीक है। आज आपने कुछ डायोड के क्वेश्चन किए, बाकी इसके आगे की कहानी जो है किसी और क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय एवरीवन।